शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही निशा बाकी होगा। जी हाँ, शहीदों की याद में कई सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आज परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद की जयंती है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये राजधानी रांची के कांटा टोली चौक की तस्वीर है। यहाँ पर एक पोस्टर छोटा सा चस्पा कर दिया गया है उनके नाम पर, और कुछ रस्म अदायगी की गई है। कुछ लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर माल्यार्पण किया है। सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई काबीना मंत्री अगर आता तो ज़्यादा बेहतर होता, इनको भी तवज्जो मिलती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि चारों तरफ ये सड़क आपको गुजरती हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन वीर अब्दुल हमीद के सिर के ऊपर कोई छत नहीं है। उनको इसी तरह से खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है। उनके लिए कोई चबूतरा तक नहीं बनाया गया है, उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं मयस्सर की गई है ताकि वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता को मान सम्मान मिलता, उनको इज्जत मिलती और उनको लोग पहचानते जानते। आज जयंती के अवसर पर हो या पुण्यतिथि के अवसर पर हो, हम पत्रकार भी उनको याद कर लेते हैं, लेकिन इतने भर से काफ़ी नहीं है। जिन लोगों ने वतन की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, और वीर अब्दुल हमीद के बारे में अब तमाम दर्शकों को पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के युद्ध में इन्होंने अपने जान की कुर्बानी पेश कर दी, शहादत का जाम पी लिया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क हजाम रांची। लेकिन उनकी याद में हम लोगों ने क्या कुछ किया है, तस्वीरें सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही होंगी कि बिल्कुल खुले आसमान के नीचे उनको छोड़ दिया गया है। चारों तरफ से आपको गाड़ियां चलती हुई नज़र आ रही होंगी। वीर अब्दुल हमीद की एक प्रतिमा तक यहां स्थापित नहीं की गई है। अगल बगल के लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ किया है ताकि यहाँ पर थोड़ा माल्यार्पण हो सके। आज के दिन की जो रस्म अदायगी है, आज के दिन के जो एक उनको रिगार्ड देने की बात है, वो मात्र दी जा रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। तमाम लोग जानते हैं, तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कांटा टोली चौक पर जो फ्लाईओवर बन रहा है, वो काम तेज़ी के साथ चल रहा है। अगल बगल में सड़कें बन रही हैं, लेकिन वीर अब्दुल हमीद को याद करने वाला ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद है, ना ही तो प्रशासन का अमला कोई मौजूद है। ये दीगर बात है कि सुबह सवेरे कुछ लोग ज़रूर आए होंगे और वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर या उनके पोस्टर पर, उनकी तस्वीर पर ये कुछ फूल जो है वो यहाँ पर खराज अकीदत के तौर पर, श्रद्धांजलि के तौर पर उनको पेश कर दिया गया है। हमारा सवाल बस इतना है कि क्या देश के लिए कुर्बान होने वाले वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता को इतनी जगह भी मयस्सर नहीं होनी चाहिए कि हम उन्हें बेहतर तरीके से याद कर पाते, उनको बेहतर तरीके से समझ पाते और एक रिगार्ड मिल पाता, एक इज्जत मान सम्मान भी हम दे पाते, लेकिन सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर ये चीज़ें होती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तक ये बातें पहुँचेंगी और सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आकर के यहाँ पर ऐसा कोई निर्माण कार्य होगा ताकि वीर अब्दुल हमीद को एक छत मिल सके, एक साया मिल सके और उनको उनकी जो हम इज्जत कर सकते हैं वो इज्जत कर सकें। हमने पहले भी बताया और फिर बताते हैं कि सिर्फ जयंती के मौके पर या पुण्यतिथि के मौके पर याद कर लेना भर काफ़ी नहीं है। अब तमाम चीज़ें देखें, खुले आसमान के सामने किस तरह से ना कोई साफ़ सफाई है, ना कोई देखभाल करने वाला है। आसपास के लोगों ने किसी तरह से यहाँ पर एक छोटा सा आकृति बनाया है, वो भी नाकाफ़ी है। ये बताता है कि हम अपने शहीदों को, हम अपने जवानों को, हम अपने सेना के लोगों को किस तरह से याद करते हैं, और वो व्यक्ति, वो शहीद जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस बुनियाद पर दी कि झारखंड के देश सुरक्षित रहे, देश हिफाजत के साथ रहे, हिंदुस्तान का मान सम्मान बना रहे, बरकरार रहे, लेकिन आज हम लोगों ने उनके साथ क्या किया है ये तस्वीर बयां करती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चाहे आसपास के लोग हों, ज़िला प्रशासन के लोग हों या सरकार के लोग हों, कम से कम अपनी आंखें खोलेंगे और वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता को जो मान सम्मान, जो इज्जत सत्कार मिलनी चाहिए वो उन्हें दी जाएगी। न सिर्फ जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर बल्कि 365 दिन हम अपने शहीदों को याद करें और ये
जज्ब और ये अज़्म और इरादा करें कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। सहयोगी मुर्शिद के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शहनवाज।